बहादुरपुरा नाम के गांव में जीवन नाम का मैकेनिक हुआ करता था। जीवन कार, जीप ऐसे कोई भी पुराने खराब गाड़ियों को बड़े आसानी से रिस्टोर करता था। इस तरह वो कमाए पैसे उसके बीमार माता पिता के देखभाल में ही खर्च हो जाते थे। उसके पास कुछ नहीं बचते थे। एक दिन जीवन की माँ सारा, बेटा तुम अपनी होशियारी से पैसे कमा रहे हो, लेकिन वो सारे पैसे हम पर यूं ही खर्च कर देते हो। तुम्हें अपनी जिंदगी के लिए कुछ तो करना होगा ना बेटा, अब हमारे बारे में मत सोचो, अपना भविष्य देखो बेटा। ऐसे मत बोलो माँ, आप लोग ही मेरी जिंदगी हो। मेरी तो बस यही इच्छा है कि शहर में अच्छा अस्पताल में आप लोगों का इलाज करवाना है। उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। अब आप वो चिंता सब छोड़कर आराम कीजिए। बहादुरपुरा के जमींदार राठौड़ के पास एक बहुत पुराना एरोप्लेन हुआ करता था। वो खराब होकर उसे जंग में लग चुका था। उसे ब्रिटिश वाले राठौड़ के दादाजी को देकर चले गए थे। राठौड़ उस विमान को कैसे ठीक करे वो सोचने लगा। एक दिन जीवन राठौड़ के पास आकर, सर मैं इस विमान को रिस्टोर कर सकता हूँ, अब मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। बहुत मुश्किल होगा, फिर भी इसे रिस्टोर करके नए जैसे बना दूंगा। मेरे अंदाजे के हिसाब से इसका खर्च कुछ 50 लाख तक होगा। क्या तुम एक कार मैकेनिक मेरे विमान को ठीक करोगे? उस पर मैं यकीन करूं? तुम बस मुझसे पैसे ऐंठने के लिए ये प्लान डाल रहे हो। ये विमान ठीक नहीं हो सकता है, ऐसे बड़े बड़े कंपनी वालों ने भी बता दिया। ऐसे में कहते हो कि तुम इसे कर दोगे, तो मैं इसका यकीन कर लूं? ये झूठ बातें बंद करो और जाओ यहाँ से। जीवन क्या करे समझ नहीं पाया। एक दिन राठौड़ अमेरिका से केविन नाम के एक बड़े इंजीनियर को बुलाया। केविन उस विमान को देखकर, इम्पॉसिबल मिस्टर राठौड़, इसे ठीक करके उड़ाना हो तो अमेरिका से 100 टेक्नीशियंस को बुलाना होगा। उसके लिए कम से कम 10 करोड़ खर्च होगा, और फिर भी ये ठीक होगा इसकी गारंटी नहीं है। आप रिस्क लेना चाहते हैं तो बताइए, ट्राई करूंगा। क्या 10 करोड़ और फिर भी गारंटी नहीं है? तो फिर रहने दीजिए, मैं अपने दादाजी का नाम रखने की कोशिश कर रहा हूँ। वो नहीं होगा ये मैं अब समझ गया हूँ, इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा। ओके मिस्टर राठौड़, मेरे कंसल्टेशन फीस, मैं इतनी दूर आया तो उसका कन्वीनियंस फीस, एक्सपर्ट आइडियाज दिया तो टेक्निकल फीस, GST सब मिला के 50 लाख हुआ है। आप वो पैसे दे दो तो मैं निकल जाऊंगा। राठौड़ दंग रह गया। केविन को पैसे देकर भेज दिया। राठौड़ उस रात बहुत सोचने लगा। अगले दिन जीवन को बुलाया। देखो जीवन, उस दिन मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया, लेकिन तुम में आत्मविश्वास मैंने देखा। मेरे विमान को ठीक करने की कोशिश करो, वो सफल ना भी हो तो चलेगा। ये 50 लाख लेकर काम शुरू करो। जीवन बहुत खुश हुआ। जीवन कुछ लोगों को काम पर रखकर उस विमान को रिस्टोर करने लगा। वेल्डिंग, पेंटिंग सब करने लगा। इंजन भी रिपेयर किया। कॉकपिट में जाकर वहां सब रिपेयर किया। एक महीने के बाद जीवन राठौड़ से, सर आपके दादाजी के समय का विमान तैयार हो गया है, पायलट को बुलाकर चेक करवा लीजिए। राठौड़ उस विमान को देखकर, ये देखने में तो नया है, ये उड़ेगा क्या? मुझ पर विश्वास कीजिए सर, पायलट को बुलवाइए। अगले दिन वहाँ एक पायलट आया, उस विमान को हवा में उड़ाया। राठौड़ के खुशी के ठिकाने नहीं रहे। देखो भाई, ये विमान को ठीक करने के लिए तुम्हारा कितना खर्च हुआ, हिसाब बताओ। जीवन राठौड़ को बिल देकर, सब मिलाकर 49 लाख
90,000 रुपए सर, आपको और 10,000 आएंगे। ठीक है, वो 10,000 देकर तुम्हारा फीस 5 करोड़ रुपए ले लो। कहते हुए जीवन को चेक दिया। जीवन आश्चर्य से, 5 करोड़? इतने पैसे क्यों सर? पूरी दुनिया में जो काम कोई नहीं कर सका, तुमने उसे कर दिखाया। हमारा खानदान का नाम बचा लिए। वो अमेरिका वाले ने तो कहा कि 10 करोड़ खर्च करने पर भी ठीक होगा या नहीं पता नहीं, सिर्फ गांव आकर जाने के लिए 50 लाख लिया। तुम वही 50 लाख में हमारे विमान को ठीक किए, तुम्हारे लिए ये 5 करोड़ भी कम ही है। कहकर जीवन को नमस्कार किया। इस तरह जीवन बहुत बड़ा धनवान बन गया। माता पिता को अच्छे से इलाज करवाकर उन्हें ठीक करवाया। एक गरीब घर की लड़की से शादी किया। राठौड़ गर्व से उस विमान में घूमने लगा।